Hare Krishna, Hare
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
कृष्ण सरे संतो निराया सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। गीता अनुयायी देवियों बड़भागी, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और अपने इष्टदेव भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी बातों में लगा दे। पक्का निश्चय करते हुए प्रसंग ले, इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण करना ही है। जैसे कोई धन के लिए निश्चय करता है, पढ़ाई के लिए करता है, आजकल मेरी बेटे बेटियां एक दूसरे के साथ शादी के लिए मर्द मिटने का निश्चय करते हैं, ऐसे ही आज हम फिर अपने निश्चय को दोहराएं, मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण करना। सच कह रहा हूं और आप सच मान लेना, शरीर को रखना मुश्किल है, गृहस्थी निभानी मुश्किल है, आजकल की नौकरी करनी बड़ी मुश्किल है। मेरे भगवान के चरण साक्षी हैं, मालिक को खुश करना बहुत आसान है, इस मेरी वाणी पर विश्वास करना। आप पूछो क्यों, बाकी सारे कामों में प्राधीनता है, शरीर को रखने प्राधीनता, कितनी चीजें इसको चाहिए, कहीं से लेनी पड़ेंगी ना। अगर आपने बड़ी भारी भूल किया गृहस्थी की, कितनी मुथाजी है, कितनी प्राधीनता है, कितने रस्म रिवाज है, कितना आपने बाल बच्चों के लिए अपने आप को गलाना पड़ता है, कितना मुश्किल है आजकल का समाज निभाना, रस्म रिवाज पूरी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी बेटियों को आजकल के मांग के मुताबिक बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। परमात्मा को खुश करना इसलिए आसान, इसमें प्राधीनता करूंगी, हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती से परे हट जाऊं। परमात्मा के को खुश करने में अपने पर संयम और नियम लेना पड़ता, अपने पर बस। संयम कैसा, जो हमने गलती से बुराइयां डाल ली अपने अंदर, ये काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, ये जो गंदी वृत्तियां अपनी भूल से आ गई, इन्हें हटाना भर है। और कुछ करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, अंतःकरण की सफाई है इन्हीं काली वृत्तियों से, मन सूक्ष्म हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। वाह, मिर्जासु की मुथाजी न समझना, भगवान जी मिर्जासु को आपकी मांग के मुताबिक अपने आप भेजते हैं, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते, क्योंकि प्रकृति में ये नियम है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, सिर्फ संयम से काम लेना होता है कि बस। जैसे डॉक्टर कहते हैं 10वें दिन तो ठीक हो जाएगा अगर परहेज करेगा तो, उसी परहेज को हम अपनी भाषा में बोलते हैं संयम, प्रिवेंशन को बोलती है संयम। ये भगवान मनाना बड़ा आसान, जगत रिझाना बड़ा मुश्किल, बता दिया आपको, चूंकि इसमें प्राधीनता ही प्राधीनता।
आप कोई डिमांड करो संसार की, आप गलोगी, धक्के खाओगी, जगह 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 जगह, तब वो कामना पूरी होगी। फिर उसने पूरी तसल्ली नहीं देनी, तो लख लाना, तो हमें अपना, हमने अपना अनमोल समय बर्बाद किया, कामना की, हमारे जैसे का मन क्यों खट्टा हो गया, बड़ी मजा है, कामना की, दिन रात भर गए, कामना पूरी हो गई, उसे तृप्ति नहीं मिली, हाय मेरे रब्बा, फिर याकत क्या है उस कामना के पीछे धक्के खाना, फिर वो देखो कामना कितनी नलायक और क्या है, कृतघ्न है, नमक हराम वो कामना जिसके लिए हम लगे रहे, जुटे रहे, दिन रात एक कर डाला, पूरी की, फिर वो तृप्ति नहीं देती, अपने में से और कामना पैदा करके चली जाएगी। हमने पूरी की, तृप्ति ना दी, फिर और कामना छोड़ के चली गई। शाबाश शाबाश शाबाश, जैसे धी हमने ब्याई, मुझे ऐसा लगता है धी ब्याई, हाँ उनको बड़ा बड़ा तंग किया गया, हम दुखी होकर उसे वापस ले आए, हाँ दुखी होकर वापस ले आए, वापस ले आकर के उसके दो साल सेवा करने लगे, हाँ दो लड़कियां छोड़ के मर गई। अब वो अपनी धी एक थी, उसको कुछ कर रहे, दो लड़कियां हो गई, संसार की कामना बड़े इसी तरह गए, उसे पूरी करके दिन रात एक करते, सेहत बर्बाद करते, सुख बर्बाद करते हैं, वो फिर बीच में से एक दो कामना और बना के चली जाती। आप देख लीजिए पढ़ाई की, जब पढ़ाई पूरी कर ली तो पढ़ाई चली गई, कामना छोड़ गई, फिर कमाई कमाई दिन रात एक करके लगे, नौकरी की या बिजनेस किया, वो चली गई बीच में और कामना बना के चली गई। आप देख लो बड़ी मुश्किल से आपने शादी की, बड़ी जान चाहते थे, बड़ी मुश्किल से, उसके बाद कितनी कामना और खड़ी हो गई, लगाई अंदाजा। हमारे जैसे तो फिर दुनिया पर विश्वास कर ही नहीं सकते, एक दिन रात एक करके इनको पूरी करो, फिर इनमें तृप्ति ना, और फिर जैसे मैंने कहा और कामना छोड़ जाएंगी। अपनी लड़की के लिए इतने मरे, शादी की, रुपया कर्ज लिया, बड़ी तरीके से शादी की, वहां तंगी हुई, उसको वापस बुला ला, दो लड़कियां छोड़ के मर गई। इसलिए आपके ईश्वर पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतावनी दे रहे हैं, दाना कहा इससे खुश काम, विचारवान कभी भी संसार की कामना के पीछे धक्के नहीं खाएगा, पुरुषार्थ करेगा, बस पुरुषार्थ करने के बाद ये कितना अच्छा फार्मूला है, एकाग्र रहना मेरी देवी हो, हमारे प्रभु का कितना अच्छा प्रसाद किया, मैंने भी आपके बाप ने भी किया, इसके बाद ये कितना अच्छा फार्मूला है, जो मिल जाए लेकर मन शांत रहा, बुद्धि शांत रही, तन शांत रहा, जो मिल जाए ले प्रभु, हमने ये बड़ा अच्छा फार्मूला, जो पकड़ लो आपने प्रसाद करने के बाद जो मालिक ने दे दिया, कख भी लख है और लख भी करोड़ है, प्रसाद करने के बाद जो मालिक, ठीक है मेरे मालिक, मैं बहुत संतुष्ट हूं, ऐसा जी भक्ति कर सकता हूं। सुनो राज की बात मेरी दीवियो, ऐसा जी भगवान को मना सकता है, तलीन हो सकता है, अंतर्मुख हो सकता है, क्या खूब प्रसार्थ करने के बाद जो मिल जाए लेकर वही शाद है, इसका एक शब्द बोलिए संतोष। बड़ी मुश्किल से ये गुण आता है, बड़ी मुश्किल से, शायद कई जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद आता होगा, 20 जन्मों के बाद आता होगा, संतोष जी कितनी आपके कलेजी में, छाती में, मन में, अंतःकरण में, चित्त में, बुद्धि में, ओए होए परिवार में, एक एक अंग में, खून में शांति होती है, अगर संतोष आरती पालथी लगा के हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता, कितनी शांति, कितना अच्छा गुण है जिसकी हम कदर नहीं करते, बसाने की चेष्टा नहीं करते, कितना गुण है संतोष के अंदर। उर्दू में बोलेंगे सब्र किनायत, इस सब्रो किनायत में कितनी ताकत है, प्रसाद तो खूब करना है, आगे जो मिल जाए लेकर वही, आगे भगवान के लिए नहासब ना पाप बंदे इस दाद है, सड़ता नहीं रहेगा संतोष आदमी, सड़ता नहीं, उनको इतना इतना मेरे पास कुछ भी नहीं, हो इतना बढ़ गया मैं कुछ पढ़ नहीं सकती, उसके पास तो स्कूटर है, मेरे पास खोता ही कोई नहीं, बैठ के सैर करूं कोई गठा ही कोई नहीं है, दूसरों को देख देख के सड़ना, उसके बाद तो बुलानी चीज है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बिगाड़ा, उसके इतना पड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं जानता, स्कूल का मुंह नहीं देखा, ऐसे जब संतोष हो कोई नहीं, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, मेरे जैसे संस्कार थे रब ने मुझे बनाया है, जैसे जिसके संस्कार है बनाई जाए, कोई किसी की किस्मत में शरीक है, हाँ 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 संतोष कभी भी गिरने नहीं देता इंसान को, संतोष कभी मन को इधर उधर जाने नहीं देता, पर मेरी जान ये संतोष किसी किसी के मुकद्दर में लिखा जाता, मेरे वश की बात होती मैं सदा के लिए आपके मन में रख देता, पर ये तो बहुत पुण्यों के प्रताप से
संतोष आता है। बहुत पुण्यों के प्रताप से यतीम को लाते हैं। बाबा कौन कौन से? संतोष, विवेक और वैराग या भक्ति कह लो, ये बड़े पुण्यों के प्रताप से। विवेक, भक्ति और संतोष। विवेक भी कितनी मुश्किल से आता है। विवेक का मतलब सत असत में पहचान करना। सत मेरे भगवान है और सत सारा जहान है। सिर्फ शब्द कितना छोटा है विवेक। उर्दू वाले बोलेंगे अकले सलीम, पर किसको मिलती है अकले सलीम? यही अर्जुन ने उल्टे रूप में ताना मारा पहले अध्याय में, हाय खोकर अब अकले सलीम करने चले हैं गुलाए अजीम, कि ये नलायक और बुद्धू अपनी अच्छी बुद्धि खो करके इतने बड़े बड़े भारे भाई पाप करने लगे। ये बड़ी मुश्किल से मिलती। विवेक तो बड़ी आजकल जमाने में तो ना होने के बराबर हो गया है। विवेक जिसको सत्य असत्य की, अच्छा उचित अनुचित की अच्छा पहचान हो रही हो, और फिर सत को पकड़ रहा हो असत को छोड़ रहा हो, उचित की तरफ लग रहा हो अनुचित से अपना दामन बचा रहा हो। बहुत थोड़े जीव जिन्हें जिनके पास विवेक है। विवेक के बाद भक्ति, अर्थात जिसका भक्ति का अर्थ समझो। मैंने कई बार बताया था कि आपके मन में बैठे भक्ति का मतलब जिसका मन पूर्ण रूपेण होली एंड सोली भगवान की ओर झुक गया, इसे भक्ति कहती। एक न एक झुकना जहान में दो ही चीजें हैं, दो तत्व कह लो, दो चीजें कह लो, जहान भगवान है, दो ही तो है। या जहान की ओर झुकेगा जिसकी बड़ी गंदी किस्मत है, या भगवान की ओर, भगवान की ओर बहुत होगा कम झुकते। दो चीजें का इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे जड़ और चेतन। जड़ या चेतन, जड़ की ओर मन झुकता है, चेतन परमात्मा की ओर। बड़ी हैरानगी का विषय है मेरे देवी, इसको भक्ति कहते हैं। जिसका मन भगवान की ओर झुक गया उसे भक्ति कहते हैं, जिसका मन जहान की ओर झुक गया उसे बदकिस्मती कहते हैं। क्योंकि जहान में क्या है? प्राणी पदार्थ, जड़ चीजें, चेतन चीजें। हाँ, दो ही चीजें जहान में मिलेंगी, जड़ चेतन। इनको इनको इनके इकट्ठा करने के बीच आएगा। मेरे पास प्रेस हो जाए, मेरे पास स्कूटर हो जाए, मेरे पास वो जो है ना टीवी हो जाए, मेरे पास बीवी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, कुछ भागे दौड़ने वाली चीजें हैं। ये दिल का है मेरे अपना मकान हो जाए, दो मंजिला हो जाए, एक किराए पर चढ़ा दूंगी, 4,000 रुपए किराए पर रहेगा, नीचे मैं रहूंगी, ऊपर वो पानी गिराएंगे, मैं कहा करूंगी अन्य हो किराएदार, हमें और बड़े बसेरे मिलती है, इससे मेरा दिन गुजर जाएगा, झांकी झूठती रहूंगी, चौधरानी बन के रहूंगी, वगैरह वगैरह। ये मन के अंदर ये यही है ना, अगर जहान की ओर झुका, कुछ प्राणी चाहिए, कुछ पदार्थ चाहिए। प्राणी होती जो चलते फिरते चीजें हैं। मेरी कई बेटियों को पता नहीं प्राणी जिनमें प्राण, जैसे हम प्राणियों में गिने जाएंगे क्योंकि हमारे में प्राण है, और बाकी पदार्थ ये जो आपके नीचे बैठा है ये स्टूल, ये पदार्थ है, आप प्राणी है। आहा, बेवफा दुनिया, आप किस तरह नारी जाति कितनी मरती इन चीजों को लेने में, तसल्ली फिर भी नहीं होती, फिर दुख भी पा रहे हैं, जलील भी, फिर भी परमात्मा की ओर मन नहीं झुकता। कितनी बेइज्जती भी हो रही है, मर भी रही है, रो भी रही है, रोटियां पकाती है रोते हुए, हर कपड़े धोते हैं रोते हुए, मन में अरमान है, हाँ फिर भी नहीं भगवान की ओर नहीं झुकता मन। कितनी हैरानगी की बात, इतनी जेलें हो जाती है, पुलिस इतना मारती है वहां पर, नंगा करके मारती, मैं कुछ स्पष्ट बोलू है, जोर जोर के नरम अंगों पर जोर जोर के मारेगी बकवाने के लिए, इतना बुरी हालत। इसे उर्दू बोलते हैं मुशक्कत की कैद, मुशक्कत की कैद। ये नहीं के बैठ के रोटियां तोड़ दे रहे, मुशक्कत साथ काम भी करो, वही गंदे नेक कर्मों में नहीं लगेंगे। कितनी हैरानगी की बात है। भक्ति हर एक को नहीं मिलती। मैं तो आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे भगवान ने आपको इस चरण में भक्ति दी। भक्ति का मतलब ये ना समझ ना माला फेर रही हूं सत्संग में आ रही हूं ना, भक्ति का मतलब है मेरा मन भगवान की ओर झुक गया, अब माला फेरो बड़ा मजा है, भगवान की ओर मन झुका अब सत्संग में आओ बड़ा मजा। अच्छा, गीता जी कहते अगर मन ही नहीं मेरी ओर लगा फिर जितने बाकी कर्म कर लो धार्मिक पखंड है, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। भगवान ने कहा, याद में एक एक बात बड़ी क्लियर कर रहा हूं, बड़ी क्लियर कर रहा हूं मेरी देवी, तक हमारे अंदर गलतियां निकल जाए। भक्ति तो पहले मन झुका हुआ, अब चाहे जाप करो, दान करो, सत्संग में आओ, माला फेरो, जो मर्जी करो, भगवान सब स्वीकार कर लेंगे। झुका हुआ मन,
शाबाश 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 शाबाश, मन इधर हूँ, फिर मौज बाहर है। शाबाश, एक बार आप शादी कर लो, उसके बाद घर में जो मर्जी ससुराल में काम करो। हाँ, किसी की दासी बन के काम करना घर में और है, उनकी उनकी पत्नी बन के काम करना कुछ और है। कितना फर्क है एक दासी में और एक पत्नी में। दासी वही काम करती है, पत्नी वही काम करती है, इसका बड़ा फर्क है। हमें कसौटी तो बताओ कि सचमुच हमारा मन भगवान की ओर झुका हुआ है। आप में से कोई इसका उत्तर दे। आप में से कोई पूछती है या पूछता है कि सचमुच हमारा मन भगवान की ओर झुका हुआ है या नहीं, इसकी कसौटी क्या है? शाबाश शाबाश बेटी, शाबाश शाबाश सिंगलाडी, शाबाश। और बोलिए, हम अपने आप को ओवर जज ना करें, राइट जज करें। और बोलिए, हम अपने आप को सही समझी के अब आप कहते मेरा मन भगवान की ओर झुका हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे? क्या जवाब दोगे? ना हो उसको फिक्र चुनाव चुनी। और कहिए, यही जवाब भगवान जी ने दिया है। संसार के संकल्प विकल्प दिन बदन कम होते चले जाएंगे, समझ लीजिए है। इसका जवाब देते हुए महापुरुष कह गए, जिसने कसम खा ली है कि मैंने शराब नहीं पीनी, आपको ठेके की तरफ उसके पैर जाते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। वो आप और की तरफ सैर कर रहा होगा, पर लेकिन शराब के ठेके की ओर कभी नहीं जा रहा होगा। इस जिसका मन भगवान को झुका हुआ, उसमें संसार के संकल्प विकल्प छुट, तब आप समझ लेना कि वाकई मेरा मन भगवान की ओर झुक गया या मैं भक्ति कर रहा हूं। जब संकल्प विकल्प ना आए, भक्ति क्या गई? ख्याल उसके, ये है भक्ति। ये मैंने कई बार आपको कहा है, इतनी क्लैरिफिकेशन भगवान जी के सिवा किसी शास्त्र में, किसी संत द्वारा, किसी महात्मा द्वारा, किसी पीर और पैगंबर द्वारा, सब उत्साह मुझे अपने कृष्ण की नहीं दी गई। बड़ा भारी क्लैरिफिकेशन है गीता जी के अंदर, बड़ा भारी स्पष्टीकरण। इतना स्पष्टीकरण आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। मैं ये सच्चाई से काम ले रहा हूं। कितना भारी स्पष्टीकरण है गीता के अंदर, कितनी भारी क्लैरिफिकेशन है। जिसने जल्दी जल्दी परमात्मा में जाकर कल्याण करना है, तो गीता तो उसके लिए बहुत अच्छी गाइड है। दी बेस्ट गाइड, दी बेस्ट। भक्त कहलाना बड़ा आसान है। दो चार माला बाल लटका दो, टिक्के ठुके लगा के पखंडी बन जाओ। कहलाना बड़ा आसान, बनना बड़ा मुश्किल। और जो बन रहे होंगे फिर वो ये पखंड करेंगे नहीं, माला मूला कंठी कुंठी और ये चीजें नहीं, क्योंकि मन का विषय है। और जो नहीं बनते वही ये चीजें प्रकट करती हैं। बात ये हरपा, आजकल उल्टा जमाना है, जिनकी शादियां हो चुकी है वो चार बार छह बार मेकअप करके चुप हो जाती है, मन रख जाता है। और जो कुआरी नया जोन चढ़े है, ये कहते नया बनाते, ये बनाते, ये मेरे को बड़े हैरानगी की बात। कुआरियां नाना प्रकार के पापड़ मिली फिरती है, और मैं ये दिल ही नहीं करता, मैं कर ले ठीक है। मैं बधाई दूंगा अगर आप में विवेक है, शाबाश। भक्ति है, शाबाश। और संतोष, आगे बोलो, व्यास जी ने क्या फरमाया? हमारे परम पिता क्या कहती है? जहां ये तीनों गुण है वही वैकुंठ है। वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? कोई आपने जरा बता तो दे। स्वर्ग, वैकुंठ का अर्थ, शाबाश। लो अब सुनो महापुरुषों की बातें। वैकुंठ का मतलब स्थाई शांति, स्थाई आराम, स्थाई चैन, स्थाई करार, स्थाई उल्लास। वाह, आपकी बड़ी मेहरबानी व्यास जी, बड़ी मेहरबानी। वैकुंठ का मतलब एक विशेष स्थान, न तरसना के ऊपर एक विशेष स्थान है। अगर आपको पूर्ण शांति है तो आपके भगवान की कसम आप वैकुंठ में रहेंगे। आपके अगर अंदर सड़ता नहीं है मन, कलेजा मुंह को नहीं आता, बेचैनी नहीं होती, मन आपका शांत रहता है, सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपका वही वैकुंठ, आपको वही स्वर्ग है। अगर आपका मन शांत, दिले पुर सकू में कहां आए रंज, दिले पुर सकू आपने ले लिया है, मन बिल्कुल टिका हुआ है, यही आपका वैकुंठ है। शाबाशु मेरे कृष्ण जी, शाबाश। इसी को स्वर्ग क्या कहा मेरे प्रभु ने, यही आपका स्वर्ग है। वरना भगवान के यहां नहीं आपको कहा कि चलो वहां स्वर्ग में ये करो वो करो, ये सब कर्मकांड की बातें और पंडितों के भूले हुए और दुख है। हमें यहां शांति मिलनी चाहिए। मरने के बाद जब वैकुंठ मिलेगा, लगाओ उसको आग। भगवान जी नहीं मानते, भगवान जी कहती है असीरे बदन रह के
आज चूमो शब्दों को, चूमो इन शब्दों को, कितनी अच्छी गीता। शरीर की कैद में रहता हुआ भी आजाद है, शांत है, आनंदित है, वैकुंठ में शरीर की रेती हुए। मजा तो ये नहीं शरीर में रह के चैन से रह जाए, मरने के बाद शरीर ने यही छुट जाना है, सूक्ष्म शरीर ने जाना, फिर जन्म लेगा, उस वैकुंठ को हम क्या करेंगे, फिर मां के गर्भ में आना पड़े। ये कितने प्यारे शब्द, आप तो विचार नहीं करते ना, असीरी बदन रह के आजाद इंसान वो योगी है, दिल शांत यह वैकुंठ, शरीर के रहते हुए शांत आनंदित। हमें वो करनी चाहिए मरने के बाद मिले, फिर पुण्य खत्म हो जाए वापस आना पड़े, हमें वही चाहिए वैकुंठ, जिसके लिए रब ने कहा क्या फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर होके खाली यही लौट आए। नवा अध्याय, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर वहां से फिर वो धक्के मार देते हैं इंद्र देवता जी या कोई भी देवता, बस निकल जाओ यहां से, क्यों तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, तुम तब तक स्वर्ग में रहते हैं, तुम्हारे पुण्य थे, अब तुम्हारे पुण्य का खजाना खत्म हो गया, जाओ नीचे फिर पुण्य कमाओ। ऐसे वैकुंठ को तो धक्के मार दो, कभी चाह ना करो। ये है जो भगवान के प्यारे बन के मन लगा के मन शांत रहे, मन कल्पे नहीं, ये आपका स्वर्ग, ये आपका न जीते की शादी न हारे का सोग, ये आपका स्वर्ग, मन बिल्कुल तवाजन में। अब ये तीनों भगवान ने अगर आपको दिए है, मेरी हार्दिक बधाई ले लो, विवेक, भक्ति और संतोष। संतोष का मतलब पूरा प्रसाद करो और जो मिल जाए खुश हो जाए, संतोष इसे कहते हैं मेरे बेटे। संतोष ये होता है कि प्रसाद अपनी ओर से कथा नहीं छोड़ी, आगे जो परमात्मा का संतोष का मतलब है, संतोष इज इक्वल टू जो मिल जाए लेकर वही, इसे बोलते संतोष। अपनी ओर से एक खूब पसीना गिराया धरती पर, मेहनत की, हाँ उसके बाद जो परमात्मा ने दे दिया, कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कभी आपके लोगों पर गिला नहीं आया, रब ने ये नहीं दिया है ना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ, आहा ये मेरे कृष्ण जी फल कृपा, मेरे इष्ट देव जी फल कृपा है। संतोष की बात थोड़ा होता है लेकिन खुशी बड़ी ज्यादा होती है उसको। और लोभी के पास बहुत कुछ होता है, खुशी कोई नहीं होती, लख लानत ऐसे खजाने को, ऐसी चीजों को, सब कुछ होते हुए खुशी नहीं, ये थोड़ा है और खुशी बहुत ज्यादा। मौत बाहर तो ये संतोष, लोभी कौन बहुत कुछ हो फिर भी अंदर बेचैनी, संतोषी कौन कुछ भी ना हो थोड़ा बहुत हो और संतोष बड़ा ज्यादा, संतोष का पैमाना भरा हुआ है, उधर लोभ चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन संतोष कोई नहीं, मन में बेचैनी बेकरारी है, ऐसा जी बस ना सड़ता कुड़ता रहता, विषय आपने चला रखा है जीवन में सुख दुख की समस्या। हाँ और हमें कहा जा रहा है पुरुषार्थ कीजिए, जितना आपका बस चलता है अपनी ओर से कसर मत छोड़िए, जितना आपसे बन सकता ट्राई योर बेस्ट। ऐसे व्यक्ति न सुख जानेंगे न दुख जानेंगे, ऐसे व्यक्ति भक्ति करके शांत रहेंगे। भक्ति में क्या है आनंद, भक्ति में क्या है प्रसन्नता संतोष, भक्ति में आनंद, भक्ति में संतोष। शेरजुओं का भी महान भक्ति में उल्लास, तो सब कुछ आ गया। संसार में जिसे हम सुख दुख कहती हैं वो चीजों के प्राप्त करने में सुख हो जाता है, तो जो चीजें आज प्राप्त करके सुख मिला उन्होंने कल चला जाना, वियोग होना जरूर। अगर दिन चढ़ने में हमें बड़ी खुशी हुई है तो दिन उतरेगा भी जरूर, दिन अस्त भी होगा मृत्यु भी हो, फिर रोएंगे हम। किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने में हमें खुशी हुई है तो क्या वो प्राप्त रहेगी, प्रवृत्तियां नियम है जो उस वस्तु को हमने प्राप्त किया, या मैं नहीं या वो नहीं, जिस चीज को हमने प्राप्त किया प्राप्त करने वाला मैं हूं प्राप्त करता, या तो मैंने नहीं रहना या वस्तु नहीं रही, फिर रोना पड़ेगा, वियोग तो होगा। इसलिए दाना आदमी प्राणी पदार्थों से खुश नहीं पाता, आज खुश कल गम, आज सुख का दुख जरूर होगा, क्योंकि हम सुख पाती है प्राणी पदार्थों के लेने से, जो प्राणी पदार्थों को लेने से सुख न पाए अपने आप में रहे भगवान से, वो है सही रूप में आनंदित, उसका जीवन है शानदार मजेदार। जो किसी कारण से सुख नहीं पा रहा बल्कि अपने भगवान से अपनी भक्ति से, ऐसा जीव कल युग में बहुत थोड़े, ऐसी मेरी बेटियां बहुत थोड़ी है जो ना किसी प्राणी से ना पदार्थ से ना इज्जत से ना सेहत से ना धन से ना पति से ना पत्नी से ना बच्चों से, अपने में से रहे, जिसका दिल रूह से आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, जिनका मन अपने परमात्मा से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, अर्जुन वो कायमुल अकल है, उसी फर्द को कायमुल अकल लगे,
वो खुश नसीब है, लक्की सोल है, ये बड़ी लक्की है वो मेरी बेटी जो अपने आप में संतुष्ट है। सुख दुख का मसला, सुख दुख की समस्या यही खत्म हो जाती है यदि हम इस रास को जानकर अंतर्मुखी हो जाए। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख, दोनों को सेरांगारे, हमें तो आनंद चाहिए, शांति चाहिए, और वो कहीं से लेनी नहीं, सिर्फ अंतर्मुखता में। शांति लेने के लिए हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, सुख दुख सुख के लिए हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन शांति के लिए अंतर्मुखी। आहा, चके शांति भगवान का स्वरूप है, जिसके कारण से हमारा मुर्दा शरीर जिंदा है, वो आनंद स्वरूप है आत्मा, वो परमात्मा की शक्ति आनंदित है। और वो किसको मिलती है? जो जहान पर लट्टू नहीं होता, जो भगवान पे लट्टू होता है। असली अपने जोगे तो बन जाओ गोगा, ओ गोगिया, अपने जोगे तो बन जा। माम हम तेरे से उम्मीद नहीं रखते, पर अपने जोगा बन जा। बाबा बाबा, तो जीव अपने में गोता मार जाए, पर ये मरेगा कौन? जिसे संसार से पता लग जाए, बिल्कुल नहीं तसल्ली होनी मेरी संसार से। इसका मतलब जो संतोषी हो जाए, संतोषी क्या होगा? अंतर्मुखी होगा। बेटे लोभी बार मुखी, संतोषी अंतर्मुखी। संतोषी अंदर का खोजी है, लोभी बार का खोजी है। ए लोभी बंदो भी, कुछ नहीं मिलना सिवाय पत्तों के, इसके कुछ हाथ नहीं आएगा। जो अंतर्मुखी है ये सब कुछ पालेगा। सुनो मेरी देवी, चाहे किसी भी गति से जा रही है, चाहे मंद गति से आप जा रही है, सुनई सुनई जा रही है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा अगर हम अंतर्मुखी हैं तो। चाहे हमारी कैसी ही गति, चाहे हम तीव्र गति से जाए, तो चाहे हम मंद गति से जाए, पर पहुंच जाएंगे। ये पता लग जाए कि मेरा कल्याण अंतर हो जाने में है। यही भगवान बार बार आपको इन्वाइट कर रही है अंतर में। अंदर घुस जाओ, बाहर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बाहर चीजें चलायमान है, फिर इनमें से तसली नहीं होनी। अगर इनको ले भी ले तसली को नहीं, अपनी दूसरी जिंदगी के ऊपर नजर डाल लीजिएगा। कितने प्राणी पदार्थ लेने में हमें दिन रात एक कर तसली हुई। मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुनो बात। गीता कृष्ण क्या कहती है? दाना आदमी भगवान की भक्ति करेगा, वो जहान की भक्ति नहीं करेगा। जहान में रहना पाप नहीं, जहान से लेना पाप है। जहान में तो रहना कोई बुरा नहीं होता, पर जहान से उम्मीदें रखनी, ये परमात्मा के ये शब्द आप पक्के कर चुके हैं। क्या सहारा किसी का न ले एक पल। आपने गोता मारो, क्या ये आपने पक्का कर लिया? नहीं, शर्म की बात। क्या सहारा लेकर इससे कोई हो जाएगी तृप्ति? नहीं। जितनी देर सहारा भगवान का लेने में लगाओगे, उतना ही पीछे रह जाओगे, आयु गुजरती जा रही है। अगर सारे मन से सहारे छोड़ के केवल भगवान का ले लो, मन अंतर्मुखी, मन बारमुखी हो गई। क्यों सहारा नहीं लेती अपने भगवान का? फिर तो इनके सहारे अच्छा मजा आ जाए, इनका सहारा ले ले, हाँ फिर किसी और का सहारा ना लेना पड़े। है मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इनके सहारे लेने के बाद फिर ना किसी का सहारा लेना पड़े, पर फिर लेनी पड़ती है बार बार, इनकी तृप्ति नहीं बनती। इसलिए आओ मन को समझा लिया कि इस जन्म में मैंने जहान की भक्ति नहीं करनी, मैंने जहान बनाने वाले अपने नारायण भगवान जी की भक्ति करनी, बस। फिर तो भगवान आपको प्यार करते, आपका मस्तक चूमती है और मुंह से कुछ बोलते भी है, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं क्या हूं। अय हाय मेरे कृष्ण जी, मैं कौन हूं क्या हूं पहचान। मतलब वो अंतर्मुखी हो गया, उसका अनुभव खुले लग जाएगा, बुद्धि के पर्दे उतरने लग जाएंगे और मालिक में तल्लीन हो जाएगा। इसको बोलती है संतोष का मारे। वो क्या था? लोभ का मारे, जिसमें कभी सुख कभी दुख, कभी बेचैनी कभी बेकरारी। ना हमें वो खुशी चाहिए जो गमी में ना बदले। सुनिए जरा हमारे मन की मांग क्या है। हमें वो करार चाहिए जो बेकरारी में ना बदले, हमें वो चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले। भाभे पर फिर बोल, हमारे मन की मांग, हमें वो खुशी चाहिए जो गमी में ना बदले, हमें वो करार चाहिए जो बेकरारी में ना बदले, हाय हमें वो चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले। फिर तो लाजमी तौर पर आपको परमात्मा की भक्ति कमानी ही होगी, और कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अगर आप प्योर खुशी चाहते हैं जो गमी में ना बदले, फिर भगवान की भक्ति। अगर आप ऐसा करार चाहते हैं जो बेकरारी ना बदले, चलो सीधा भगवान की ओर,
है, ऐसा चैन चाहते जो कभी बेचैनी में न बदले। चलो भगवान की ओर, जहान जी आपकी पवित्र मांग पूरी नहीं कर सकता, जहान के पास इतनी शक्ति इतनी समर्थता नहीं है। है शाबाश, इतनी समर्थता उसके पास नहीं है कि आपको वो ये देख ऐसी खुशी दे जो कभी गमी में बदले। ऐसे तो कभी होता नहीं, संसार की खुशी तो गमी में बदलेगी, थूक दो इसके मुंह के ऊपर। ऐसे चैन को क्या करें जो बेचैनी में बदले, जो ऐसी करार को करें जो बेकरारी में। हमें ऐसे नहीं चाहिए ना, फिर तो भगवान की भक्ति कमाइए। क्या आपको अच्छा लगेगा दो दिन हंस लेना और इतने दिन रोना? गलत, ये हमें नहीं अच्छा लगता है ना। खारा पानी समुद्र दा, ये आपको सुनना अच्छा लगेगा? खारा पानी समुद्र दा, हंसना दो दिन दा तो रोना सारी उम्र दा ना। हमें ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर तो करो भगवान की भक्ति, फिर तो दिन रात उसमें लगे रहे। फिर मैं क्लियर करूं जरा भगवान जी के अनमोल कथन। भगवान की भक्ति क्या है? एक तो मन का झुकाव भगवान की ओर, अच्छा चलते फिरते उठते बैठते भगवान का चिंतन हो, जो घर की जिम्मेवारियां हैं वो बड़े प्रेम से पूरी की जाए। भगवान के सिवा और कौन कहेगा क्या क्या क्या, तेरा फर्ज क्या है? रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। भगवान के सिवा कौन कहेगा? करे जिस कदर उस पे जोर की तारी। ये हमें तो भगवान की सेवा किसी नहीं कहा, कोई देवी देवता नहीं कहता, कोई महात्मा संत नहीं कहता। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम है। हाँ आगे भगवान ने परलोक बनाने के साथ बता दिया, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। सहारा अपने रब का लेकर, जो तो समझते ये जरूरी कर परमात्मा नहीं रोकते, ये जरूरी है वो जरूरी है कर भगवान ने नहीं रोका। आए कितनी मर्जी छूटा है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। लाजम है जो जरूरी आप समझती है, आप समझते मेरे लिए जबरदस्त कर ले, लेकिन मन करके सहारा अपने रब का। बस अब मौज है, अब बड़ी मौज है, मौज है। ये इसका मतलब विक्रम ने बताया था स्वामी जी ने कि क्या भाई आपने बिजली पर रोटी पकानी है जरूर पकाओ, आपने रेडियो सुनना है जरूर सुनो, आपने फ्रिज में पानी रख करके बर्फ पानी को जमा के बर्फ लेनी है जरूर करो, आपने टीवी में देख रहा है कोई मैच मुच शायद हो रहा होगा जरूर देखो, आपने सब्जी बनानी है रोटियां पकानी है जरूर करो। लेकिन एक बात है, ये सारा काम बिजली से करना है ना, तो प्लग को ना निकालना साकर में। ये थ्री पिन प्लग होते हैं, तीन पिन लगी होती है, तो जो हमारे हाथ में है प्लग वो साकट वो जो दीवार के अंदर लगा होता है, तो ये लेकर प्लग साकट में लगा रहे। आप बिजली से जो भी काम लेना चाहते हैं ले लो, पर साकट उसमें प्लग साकट में लगा रहे, ध्यान देना प्लग साकट में लगा रहे। अब जो मर्जी में करो बिजली आपको सप्लाई होगी, क्योंकि साकट के अंदर तारे आ रही है और उसमें बिजली है तो वो सप्लाई जाएगी, जो मर्जी करने दे। इस तरह भगवान जी कहती हैं अपने मन का प्लग मेरे साथ लगाई रख, अब करे जिस कदर उस पे। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा, ओ मैं भी लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो, मिलजुल के लाभ उठा दीजिए। प्लग मस्ट बी इन द सॉकेट, नाउ एग्जीक्यूट एनी एक्टिविटी एनी वर्क, हाय एनी एक्शन एनी ड्यूटी, बट क्या प्लग मस्ट बी इन द सॉकेट। मन लगा रहे मालिक के साथ, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आप चाहती हो, रस्ती निभानी बस्ती निभा लो, प्रलोक बनाना प्रलोक बना लो, अपनी कोई पर्सनल यानी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है वो पूरी कर लो, पर प्लग मस्ट बी इन द सॉकेट। शाबाश शाबाश शाबाश, ये राज की बातें जान लो। हमें महापुरुषों से मिली है प्रसाद रूप में, हमारे से ले लो। जिस तरह हम तलीन होते जा रहे हैं मालिक की जात में, आप भी तलीन हो जाओ। सत्संग का तो यही लाभ है ना भाई, सत्संग परमात्मा का संग करे तो हम गीता जी के द्वारा कर रहे हैं, तो जो साधन बताए जा रहे हैं उसको अपनाते हैं। बस सत्संग तो यही लाभ है कि फौरन अपने अपना लूंगी, ये कभी ना कहना आपको भगवान की कसम, आप गी तो भूल ही जाओ। गा गी हमारे लिए नहीं है, गा गी उनके लिए है जिनके भाग सड़े हुए, जिनकी गलती किस्मत है, वो गा करूंगा करूंगी, गा ये करूंगी गा नहीं। बस समझ आ गई, जीवन में आ गया। अब गीजा नहीं, गीजा करते करते हमारी उम्र काफी गुजर गई, कई जन्म गुजर गए, करांगे कोई जल्दी क्या है, जल्दी क्या आयु गई, काल आ रहा है, जल्दी अपनी साधना कर ले। बस ये फौरन अब आप
पूर्ण शांति के भागी बन जाएंगे। मन आपका पूरा टिका रहेगा, आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि मन द्वारा साधना होनी है और मन तो मालिक में लग गया। हाय कितना अच्छे बोल है कृष्ण जी के, तो मन अपना परमात्मा में लगाओ, खुद ही योग छोड़ मत जी जलाओ। बिल्कुल ठीक, ऐसी अवस्था बन रही ना, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही हवा छोड़ मत जी जला, साधना अपने आप को गंदी वासना कामना मन में न रख। ये कब होगा? मन अपना परमात्मा में लगा, अर्थात मन में चिंतन संसार का न होने पाए। मन को ठोस चीज छोड़िए कम खा करके रख दीजिए, मन कही तो अर्जुन ने घसर ढा दिया है, न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं। ये मन की परिभाषा की गई, जैसे वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करना असंभव, इस तरह मन को भांति भांति में अपने अधीन करना असंभव है। इसके लिए अभ्यास करना बिल्कुल वायु से भी ज्यादा सूक्ष्म है। जितनी परिभाषा अर्जुन ने करती, कौन बताएगा मन के बारे में? मन अति सूक्ष्म है, वायु से भी ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, वायु को देर लगती है जाने में, बिजली को भी देर लगती है किसी स्थान में जाने में, मन तो तत्काल गया, टाइम ही नहीं लगता, इतनी तेज रफ्तार है मन की। थोड़ा सा सम चाहिए मन में विचार है ना, थोड़ा सा विचार चाहिए इसके अंदर, फिर मन हो गया अंतर्मुखी, गया अपनी जात में, अपने मार्ग में तलीन हुआ, जिसको ये समझ आ गई। उठो इस सुख और दुख से, ये संसार की भूल भुलैया है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता, मेरे नेक बेटियों, ये सब भूल भुलैया है। जो जैसे भगवान जी बता रहे हैं, इस तरह अपने मालिक का पूरा सहारा लेके, अर्थात उनका चिंतन लेके, जो हमारे कर्तव्य कर्म है पूरे करें, भगवान काफी कर्म तो हटा ही देंगे, थोड़े से रह जाएंगे, जल्दी पूरे करें। यह है आपके प्रभु जी का उपदेश, यह है आपके मालिक का सरताज का श्री कृष्ण जी का उपदेश, जल्दी जल्दी जीवन में ढाले, जल्दी जल्दी, और ऊपर ले मन से ये पूरे करें, रुचि से नहीं बेटी, रुचि से अगर करोगी तो मरोगी, फिर रुचि से नहीं, रुचि से नहीं, रुचि से भक्ति करनी है, विथ फुल इंटरेस्ट भक्ति, ये सेकेंडरी हमारे फर्ज है, जिसे हम अपनी भाषा में गौण कहते हैं। ये गौण रूप से पूरे करेंगे, ये काम मैं कर दूं, मेरा ये रोटी पकानी है, मेरा ये कपड़े कपड़े धोने रह गया, ये सफाई सुथरा, ये मैं कर दूं, लेकिन उधर उधर भगवान क्या कह रहे हैं, पर मन अपना परमात्मा में, तन अपना धंधो में तू लगा, पर मन अपना परमात्मा में लगा। हाय हाय, भला हो भगवान, हम क्या बोले, शब्द नहीं हमारे पास, जिन्होंने ये आसान तरीका बता दिया, भक्ति मेड इजी, परमात्मा मेड इजी, साधना मेड इजी, अरे दर्शन मेड इजी, भगवान ने बहुत ही आसान कर दिया, बड़ा आसान बना दिया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बस जल्दी जल्दी कर लो, जैसे हम लाभ उठा रहे, हमारे से ज्यादा आप लाभ उठाओ। सत्संग गीता के नहीं मिलता जिंदगी में, कहानियां किसी बच, कहीं आप जाएंगे सत्संग छेने मार रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, सिर्फ घुमा रहे होंगे, असल बात की वह करेंगे नहीं, थोड़ा सा कीर्तन कुर्तन करके बस देवियां रख लेंगे, अरे हमारा कीर्तन है जी, फलाने जी घर रखे है जी, तो क्या कीर्तन ही, गल्ला गुल्ला मार के शोर मचा के चल खत्म। इससे क्या, अगर मन ना पलटा, मन में बुराइयां ना निकली, मन की गंदी बातें ना निकली, तो क्या कीर्तन, कुछ नहीं, असल कीर्तन तो हो ही नहीं रहा। मैं कितनी जरूरत करके कहता हूं, यथार्थ रूप में सत्संग तो गीता के द्वारा होता, वरना अधूरे जो सत्संग जो आपको एक दिन लगा, आप खुद मेरे साथ एग्री कर जाओगे, अगर कहीं आप सुनने जाओ तो, पूरा सत्संग तो महाराज जी के साथ है, जो ज्ञान है। आप की शादी हो गई, हाँ तो अब आप इस ससुराल में रहेंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, हर बाप तेरे बाप ने 1.5 लाख रुपया लगा दिया दहेज में और शादी शुरू सबसे कुछ किया, मैं तो नहीं रहूंगी, क्यों, इतने को दिक्कत तो नहीं, शादी है लागत फेरे भी दे दिए, नाम जो मर्जी दे दे, क्यों, मेरा मन लग नहीं, मैंने कितनी बार तुझे कहा ना लगाओ, ने जबरदस्ती की है, तो ये सब तो रस्में रस्में हो गई, अगर मन ही ना लग गया तो आपके बाप का 1.5 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिया। देख लीजिएगा, 22 रुपए आपकी शादी कर दी लेकिन मन नहीं माना, शादी तो मन करके है, पढ़ाई तो मन करके है, अगर मन ना माने तो जितने मर्जी बच्चे को स्कूल नहीं जाएगा, मन नहीं माने तो लड़की ने 1.5 लाख रुपए को बर्बाद करके वापस आ गई, मेरा नहीं मन मानता, मैं नहीं जाती बेटे, आपने की जबरदस्ती आपने किया, मैं क्या करूं, आपको अपना कीता पाऊं, मैं नहीं जाती उधर, सारा मन करके, तो भक्ति भी मन करके, विचारों को पलट के मारो,
इसके अंदर संसार का चिंता न होने पाए। अब लड़की से बाहर पूछा क्या चाहती है, मैंने इधर जाना ही नहीं था, मैंने शादी उधर करनी है, गली के अंदर लड़का है, मन करके मैंने उधर जाना है, आपने तन को धक्के दे के भेजा है, मन नहीं मेरा गया, मीरा ने इतनी मार खाई, मीरा ने इतना कुछ अनादर किया, मीरा को इतना किस करके, सिर्फ इसी बात करके ना, यही बात करके ना, क्या मारे थे प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों में, राणा जी मेरी शादी हुई है आपके साथ लेकर तन करके हुई है, मन करके नहीं, मन तो मेरा गिरधर गोपाल का, मन तो मेरा गिरधर गोपाल का, ये है मजा, ये तब समझिए कि मन में चिंतन भगवान का शुरू हो जाए, उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते व्यवहार करते हुए लेटे हुए अपने चारपाई पर और नींद नहीं अभी आई लेकिन चिंतन अपने भगवान का हो रहा है, ये है भक्ति, ये अब आपका मन भगवान में लग गया, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं कर रहे फिर भी मन भगवान में लगा हुआ है, नहीं तो शरीर प्यार करने वाले वो पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन रोते रहते हैं अंदर ही अंदर, इस तरह भगवान के प्यारों में चिंतन भगवान का जारी हो जाता, आहा अंदर चिंतन परमात्मा का, भाई रूप में काम भले ही कर रही है लेकिन चिंतन मालिक का हो रहा, ऐसे जीव कल्याण कर जाए, ऐसे जीवों को भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, ऐसे जीव को न सुख चाहिए न दुख चाहिए, उनको तो भगवान की शांति मिल जाएगी, उन्हें सदा रहने वाला चैन सदा रहने वाला करार मिला के मिला के मिला, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि जाए पना अपने क्या अपने शरण के स्थान भगवान में, और जम गया उसमें जमा लो, आयु गई के गई, आयु गई मेरी बेटी जिनकी आयु 40 से ऊपर हो चुकी है, बड़ी जल्दी कर लो आप, आयु गई अब तो गई आयु, अगर 40 से ऊपर हो चुके तो बड़ी अब जरा देर न करो, एक एक दिन बड़ा गनीमत है आपके लिए, जो 40 क्रॉस कर गए एक एक दिन आपके लिए बड़ा अनमोल है, बहुत कमाल का है, और उसका पूरा लाभ कैसा है मुझसे पूछो, 40 साल से ऊपर हो गए 50 साल का हो गए 75 को गए, मैं पूरा लाभ कैसे उठाऊं, आप कई सवाल करो, जल्दी जल्दी कैसे तरक्की करूं, पूरा लाभ कैसे उठाऊं, पूरा रुपये मन लगाना क्या होता है, यदि यदि अपना कल्याण कैसे होता है, जो चाहे ऊपर भगवान ने आपके अनेक प्रश्नों का एक जवाब दिया, कितना खसब का जवाब, क्या सुकेरे जो हर शायद से अपने हवा, क्या कमाओ कि जिसने जो यही हम फैले थे ना, अपना मन अनेकों में लगा रखा था, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी प्राणी पदार्थ सजने धजने में अपनी निकपनी और ये वो में, हाँ आप भगवान से एक ही बात कह रहे हैं, चारों ओर से मेरा काल है, सुकेड़ी जो हार शायद से, इसको कहते हैं जल्दी तरक्की कर जाना अपने आप को, जल्दी 40 साल जो जल्दी कुछ कर रहा है, अर्थात जो हमने फैलाया है उसे निकाल लो, उसे अपने आप को निकाल लो, बस ये स्वामी जी कहा करते थे भाई जल्दी जल्दी भक्ति करने का मतलब है जो चटाई आपने फैलाई है सूरज अस्त होने से पहले वो बगल लपेट के बगल में रख लो, जो कामने वाली वास्तव वाली वो वाली चटाई नहीं फैलाई आपने, कितना वो बढ़ाया कईयों के साथ बढ़ाया वास्तव बढ़ाई कामने में लंबी बढ़ा दी चटाई हो गई, अब इसको लपेट लो, हाय 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 लपेट के बगल में दबा लो, अब रब रब जपो, वाह पूरी तैयारी कौन कर रहा है जो वास्तव कामनों की चटाई लपेट के बगल में ले रहा है, ये यूं कह दिया या रब ने कह दिया, सुकेरे जो हर शायद से अपने हवास, जो चारों ओर से अपने आप को सुकेर चुका है वो सावधान है सतर्क है सजग है, इज वेरी वेरी कॉशियस वेरी वेरी अवेयर वेरी वेरी अवेयर वेरी वेरी कॉशियस, हाँ और जो बोले चौकस वो बहुत चौकस है, बड़ी चौकसी से वो साधना कर रहा है, क्योंकि उसका मन कहीं यहां फंसता है, जहां फंसाया था वहां से निकाल लिया, ये भी बेटी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्ती करना भक्ति में, कि जहां जहां मन लगाया था अपने आपको खींच लो, जहां जहां भी आपने लगाया विड्रॉ योर माइंड, वाह खींच लो अपने आपको चारों ओर से, जैसे कि बुजुर्ग कहते भाई अब तो मैं मोया अब मेरे दिन गए, तो कहीं शेयर खरीदे सब शेयर खत्म करता है, कई बैंकों में उसका हिसाब होता है सब वहां से निकालता है, डाकखाने में होता है वहां से निकालता है, कोई और कईयों को धार दी होती है वहां से निकाल करके एक ही जगह रुपया रख के फिक्स कर देता, हर जगह से यही हो जाए भगवान का प्यारा जिसे तरक्की कर जानी, चारों ओर से मन खींच लेगा, भगवान ने कर्म नहीं खींचना कहा मन खींचना कहा, बाकी क्या रह जाएगा जो आपके कर्तव्य कर्म है वो रह जाएगा, कर्तव्य कर्म क्या होता है मैं सोरे बता रहा था, जिसके जिन कर्मों के बिना शरीर नहीं चल सकता जिन कर्मों के बिना आपका परिवार नहीं चल सकता उन्हें बोलते हैं कर्तव्य कर्म है, लाजम अमल या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज
अपनी जेटली ड्यूटी रह जाएगी। जो जरूर जरूरी काम है आपके, जिसके बिना नहीं सरता नहीं पटता, वो भी मेरे भगवान जी जल्दी पूरे कर देते हैं। आप कुछ ठोस रूप में भगवान जी की गीता का लाभ उठाए, मन अपना कहीं भी न लगा हुआ हो, एक अपने मालिक के संग लगा हुआ, फिर अपने आप जाप करेगा, सुमन करेगा, चिंतन होगा, कहीं राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, कोई संसार संबंधी वासना नहीं होगी, कामना नहीं होगी, कहीं लेना नहीं देना नहीं, ओ हो, ये जीवन बड़े कमाल का है। न कहीं लेना हो, न देना हो, न राग हो, न द्वेष हो, जीव अपने आप में रहता हो, मरकज में रहता हो। सेल्फ सेंटर्ड मैन इज द बेस्ट मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन इज द बेस्ट मैन, जो अपना केंद्र बाहर नहीं रखता, अपने आप में रखता है। जो मेरी बेटी अपनी खुशी या केंद्र बाहर नहीं किसी प्राणी पदार्थ पर रखता, अपने आप में है, भगवान उस पर बड़े खुश होती है और बड़ी जल्दी कल्याण कर जाता है। परमात्मा करे आप सब ऐसा ही कर रही हो, परमात्मा करे आप सबका आना यहाँ पर इसी प्रकार का साबित हो रहा हो, अपने आप में मस्त अलमस्त अपने आप में। ऐसा को सकल विकल्प संसार के नहीं आती, भले संसार में हमारा रहना होगा, पर संसार का न कोई संकल्प न विकल्प न कोई सफर न कोई राग न द्वेष, ऐसे तो मेरे परमात्मा कहती है। क्या बड़ा नेक जीव है जिसने ये अवस्था बना ली, बड़े गुण गाते हैं मेरे प्रभु ऐसे नेक जीव के, इससे बढ़ के गुण क्या कहा है मेरे भगवान के जी। कभी मुझ से मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, ऐसा जीव भगवान को छोड़ के अपना मन कहीं भी नहीं लगा सकता। जैसे पूर्ण रस मिल गया, पूर्ण आनंद मिल गया, पूर्ण मस्ती मिल गई, फिर उसी में तलीन होता जा रहा है। सजनों को ठोस रूप में कर्ण गीता का इतना चोटिया ज्ञान मिला है, सुख दुख की समस्या आपने चला लिया, लगा दो अपना मन परमात्मा जो असलियत है सारे संसार की, लगा दी मेरी बेटी अपना मन भगवान की ओर। बार बार मेरे प्रभु कह रही है बस यही असलियत है, क्यों अपने में लगाना कह रहे, क्योंकि असलियत वही है, सारे संसार की वास्तविकता वही है, बाकी जो नजर है ये वास्तविकता नहीं है, ये तो अपने कर्म पूरे करके जाने वाले हैं। जो भी हमें नजर आ रहा है कितने अच्छे व्यास जी कह गए हमारे लिए, यद दृष्टान तत् नष्टम, यद दृष्टान तत् नष्टम, जो दिखाई दे रहा है उसने नष्ट हो जाना, यत् मन जो दृष्टम दिखाई दे रहा है नष्टम नष्ट हो जाएगा, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या मन लगाना, ये दोषों में याद रखना, दृष्टम नष्टम, जो नजर आ रहा है ये नहीं रहेगा। और फिर दाना तो कभी मन लगाएगा, दाना तो अपना मन परमात्मा में जमा देगा, क्योंकि दृष्टम नष्टम दृष्टम नष्टम, फिर अविनाशी में मन लगाए, मैं भी लगा लू आप भी लगा के कल्याण कर जाओ। मेरे कोई सोशल फर्ज नहीं है, आपके डोमेस्टिक और सोशल दोनों फर्ज है, आप वो पूरे करते रहो, मैं अपने में मस्त रहूं अपने कर्तव्य पूरे करके, आप वो भी निभाते जाओ, वो पूरे करके अपना कल्याण कर जाओ। भगवान आपको शक्ति दे रही है, मृत शुभ भावनाएं आपके साथ हैं और रहेंगी, बाकी जो आपके फर्ज हैं जो गलती से बना लिए या जो पिछले जन्म के कर्जे से दे रहे देते जाओ, हंस हंस के देके अपना मन भगवान में लगाई रखो, क्या परमात्मा ताकत देंगे, होता जाएगा बनते जाएंगे। चल इस तरह लोक परलोक बनाया जाता है, इसलिए लोक परलोक अपना संवारा जाता है। खाए कुर्बान हो कुर्बान, कुर्बान हो कुर्बान, अपने आप को टिकल बिल्कुल शांत होकर अच्छी भगवान जी शक्ति देना, जैसे आप बता और समझा रहे हैं ऐसी ताकत देना, हम इसी तरह अपना लोक परलोक बनाते चले जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।